टेररिस्ट ने 6 हिंदुओं को टारगेटेड किलिंग के द्वारा मारा ढांगरी के इलाके में, तब से 14 कोर के ट्रुप्स ने बहुत बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाया है जिसका मकसद है उन टेररिस्ट को नैब करना या उनको मारना। कल एक इंसिडेंट में 2 टेररिस्ट जो वापस पाकिस्तान में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, घुसने की कोशिश कर रहे थे बालाकोट के एरिया में, हमारे अलर्ट ट्रुप्स ने उनको पहचाना और उनको एलिमिनेट किया। वो तुम्हारे तमाम एरिया की घेराबंदी कर ली गई है और कोशिश की जा रही है कि बड़े पैमाने पर बाकी टेररिस्ट को भी ढूंढ के ख़त्म किया जाए। ये बहुत बड़ी सक्सेस है और उसके लिए मैं उनको शाबाश देना चाहता हूँ। जो वारदात है आतंकवाद का, क्यों पिकअप कर रही है जम्मू एंड कश्मीर में? पहला, चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ फैक्टर। मैंने देखा है कि जब भी नया चीफ पाकिस्तान आर्मी का टेक ओवर करता है तो अपने आवाम को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत स्ट्रांग आदमी हूँ, हिंदुस्तान को सबक सिखाऊंगा, और वो आतंकवाद का ही सहारा लेता है क्योंकि बैटल फील्ड में तो जीत नहीं सकता। दूसरी बात, एक और बिंदु ये है कि मैंने देखा है कि जब 26 जनवरी आने वाला होता है तो इस तरह की हरकत करते हैं, बिकॉज़ फिर वो मीडिया में रहेंगे, न्यूज़ में रहेंगे, और इनसे उनको जम्मू एंड कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सेंसिटाइज करने का मौका मिलता है। तो ये तो हरकत चलती रहेगी। तीसरी बात है कि हम लोग कैसे विफल करने में सफल हो रहे हैं, उसके कारण इस तरह से हैं कि जिस तरह से सरकार ने, मोदी सरकार ने CIBMS कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को कार्यान्वित किया है जमीनी स्तर पे, जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और सेना के बीच में कोऑर्डिनेशन है, जिस तरह से इंटेलिजेंस एजेंसीज़ पुलिस फोर्स और सेना के बीच में कोऑर्डिनेशन है, उसका नतीजा हमको देखने के लिए मिल रहा है। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण चीज़ मैं देख रहा हूँ कि 370 हटने के बाद जो पाकिस्तान टेरर फंडिंग करता था उसमें भी हमने बहुत अंकुश लगाया मोदी सरकार ने, तो उससे भी फर्क पड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या पूर्ण रूप से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है जब तक पाकिस्तान की मौत नहीं होगी तब तक अब पाकिस्तान आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता रहेगा। यही है कि थोड़ा यदि इंटेंसिटी बढ़ता है उसके बदमाशी का, शैतानी का, तो हम लोग को बालाकोट या POK सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कुछ न कुछ सज़ा पाकिस्तान को देनी पड़ेगी। उनके जो VAs हैं, वाइटल वाइटल एरिया, वाइटल पॉइंट है, उस पर अटैक करके उनको सबक सिखाना पड़ेगा। जब देश में आए दिन कहीं ना कहीं आतंकी हमला होता था, भाइयों और बहनों, बीते 5 वर्ष में इस तरह के धमाकों की खबर आनी बंद हो गई है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आतंकी खत्म हो गए हैं। आतंकी फैक्ट्रियां तो हमारे पड़ोस में अभी भी चल रही है और वहां तो एक ही उद्योग है, आतंक को एक्सपोर्ट करना, आतंकवादियों को एक्सपोर्ट करना। हमारे पड़ोस में यही कारोबार चलता है। ये आतंकी देश में एक कमजोर सरकार के इंतजार में है, ये मौके की ताक में बैठे हैं। इसलिए जैसे सड़कों पर लिखा रहता है, जब हम टेढ़ी मेढ़ी सड़क पे जाते हैं ना, तो लिखा रहता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद का खेल भी ऐसा ही है, सावधानी हटी नहीं कि मौत का बुलावा आया नहीं। साथियों, ये बात इसलिए भी अहम है क्योंकि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी महामिलावटी हो, ये आतंक पर नरमी का इनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां आतंक के मददगारों को पकड़ती थी और ये वोट के लिए उनको छोड़ देते थे। आज ये सभी महामिलावटी फिर से केंद्र में एक मजबूर सरकार बनाने की फिराक में है। लेकिन आपको पूरी तरह से चौकन्ना रहना है। भाइयों और बहनों, हम एक नए हिंदुस्तान के रास्ते पर चल पड़े हैं। जो छेड़ता नहीं है,
लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी नहीं है। खतरा सीमा के भीतर हो या फिरा सीमा पार, ये नया हिंदुस्तान घर में घुसकर मारेगा। गोली का जवाब गोले से देगा। और ये हम बोलते नहीं है, जवान की उंगली बोलती है। साथियों, जब भारत सुरक्षित रहेगा तभी हमारे सपने, हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं पूरी हो पाएगी।